शहर में पुलिस विभाग द्वारा प्रतिबंधित सुगंधित तंबाकू, गुटखा व सड़ी सुपारी के खिलाफ आए दिन धरपकड़ व कार्रवाई की जा रही है। इसी श्रृंखला में नागपुर क्राइम ब्रांच यूनिट 3 ने प्रतिबंधित सुगंधित तंबाकू की अवैध जमाखोरी के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने तहसील पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले एक गोडाउन पर छापा मारकर करीब 9 लाख का माल जब्त किया। वहीं लकड़गंज पुलिस थाना अंतर्गत एक पान ठेले पर छापा मारकर कुल 4.5 किलो प्रतिबंधित सुगंधित तंबाकू जब्त किया गया। नागपुर शहर में बड़े पैमाने में नकली और सुगंधित तंबाकू का अवैध कारोबार शुरू है। पुलिस को गुप्त जानकारी मिली थी कि बड़े पैमाने में सुगंधित तंबाकू लाई जा रही थी। इसी जानकारी के आधार पर क्राइम ब्रांच ने तहसील पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले गोडाउन पर छापा मारा और 9,80,000 का सुगंधित तंबाकू जब्त किया। साथ ही लकड़गंज पुलिस ने भी एक पान ठेले पर छापा मारकर 4.5 किलो प्रतिबंधित तंबाकू जब्त किया। साथ ही पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू की। गुन्हे शाखा युनिट 3 पथकास काल पोलीस स्टेशन तहसील आणि पोलीस स्टेशन लकडगंजच्या हद्दीमध्ये प्रतिबंधित असलेले सुगंधी तंबाखू साठा करून ठेवले असल्याची व ती विक्री होत असल्याची माहिती मिळाली होती। या माहितीच्या आधारावर गुन्हे शाखेने 2 ठिकाणी कारवाई केलेली आहे। पहिली कारवाई पोलीस स्टेशन तहसीलच्या हद्दीमध्ये केली असून त्याच्यामध्ये एका गोडाऊनमध्ये आम्हाला प्रतिबंधित असलेली सुगंधित तंबाखू एकूण किंमत 9,80,000 इतका मुद्देमाल मिळून आलेला आहे। आणि त्याच पद्धतीने पोलीस स्टेशन लकडगंज हद्दीमध्ये एका पान विक्रीच्या दुकानामध्ये आम्हाला 4.5 किलो सुगंधित तंबाखू मिळून आलेली होती। त्याची किंमत 2,500 रुपये आहे। ह्या दोन्ही ठिकाणी आम्ही FBI च्या अधिकाऱ्यांना बोलवलेलं होतं। त्यांनी पंचनामा करून गुन्हे दाखल केलेले आहेत आणि याच्यामध्ये 2 आरोपींना अटक केलेली आहे। पोलीस स्टेशन तहसीलमध्ये अटक केलेल्या आरोपीचं नाव कैलाश सारडा असं असून पोलीस स्टेशन लकडगंजमध्ये अटक केलेल्या आरोपीचं नाव सुहास मांडवगडे असं आहे।